Hi guys, welcome back to my channel and another video. So yes, I know कि मैंने इसके पिछले वाले ब्लॉग में बोला था कि मैं आपको मेरे क्लॉथ्स एंड मेरे शूज़ का एक ब्लॉग बना के दिखाऊंगा, सारे एसोसरीज़ का बना के दिखाऊंगा. बट मेरा जो एक प्यारा सा दोस्त है ना, जिसका नाम आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, आकाश है उसका नाम गलती से, तो अभी वो कल कहीं तो जा रहा है क्योंकि फिर वो 4-5 दिन बाद लौटेगा. तो उसने मेरे को बोला है, भरी बारिश में बोला है उसने मुझे कि भाई तुझे मिलने आना ही पड़ेगा मुझसे. तो मैंने बड़े बहाने निकाले, कम से कम 500 बहाने निकाले कि भाई नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे जुकाम हो रहा है, जुकाम से चीम हो रहा है मुझे. वो बोलता है कि नहीं भाई, तेरे को आना पड़ेगा क्योंकि फिर हम 4 दिन बाद मिल रहे हैं. क्यों बनाया मैंने ये दोस्त. तो अभी मुझे जाना पड़ेगा और इसने मुझे कम से कम 1 घंटे की दूरी पे मुझे इससे मिलने जाना है. कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये शॉपिंग करेगा. मैं हल्की सी थोड़ी बहुत कर लूँगा शॉपिंग, ठीक है, हल्की सी शॉपिंग करके लाइट चेंज हो जाएगी है, उसके बाद खाएंगे पिएंगे वो अपने घर. रात को 3 बजे की उसकी फ्लाइट उड़ जाएगा, मैं वापस आ जाऊँगा. क्या करने जा रहा हूँ मैं, सिर्फ मिलने जा रहा हूँ उससे. कितनी दूरी पे, 1 घंटे की दूरी. तो मतलब 2 घंटे हो गए मेरे. ऑटो से जाऊंगा, ऑटो से आऊंगा क्योंकि भाई बारिश पड़ रहा है, ट्रेन से जाने का मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है. मुझे जुकाम हो रहा है, मैं अकेले जाना चाहता हूँ. तो अभी इसलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग चलते हैं. ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी. भाई साहब इनॉर्बिट मॉल बुला रहे हैं हमें एंड उसके बाद कुछ तो होने वाला है. बाकी हमारी जो मैंने आपको बताया ड्रेसिंग एंड जो एसेसरीज है उनका जो व्लॉग है वो मैं आगे बनाऊंगा. तो अभी भाई से मिलने चलते हैं. मूड बहुत खराब है मेरा, कितनी भरी बारिश में कौन जाएगा भाई. दिखाऊंगा आपको बीच में कितनी बारिश पड़ रही है. तो ऐसी बारिश में एक हदे ने मुझे बुलाया. भैया गोरेगांव. धन्यवाद भैया, आप ही मेरे दोस्त हो, समझ रहे. ऐसी बारिश में बुलाया इस कमीने ने मुझे. एक मैं ही सच्चा भला दोस्त हूँ इसका जो ऐसी बारिश में आ रहा है. वरना आजकल कहाँ भाई लोग एक दूसरे के लिए जाते हैं, प्यार ही नहीं है एक दूसरे में. मैं मतलब भर गया हूँ पहली बार. मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ. बाकी मैं 4 दिन तेरे को बहुत मिस करने वाला हूँ. पूरा 4 दिन की कसर आज ही निकाल लूंगा. तू देख इतना खर्चा कराऊंगा आज, याद रखेगा तू. ऐसी बारिश देख रहा है, कितना प्यार करता हूँ मैं तुझसे. कितनी दूर से तेरे लिए आ रहा हूँ, कितना प्यार करता हूँ. जल्दी पहुंचा दो भैया, क्योंकि भैया देखो मैं तो सिंगल आदमी हूँ, आप मेरी 2-3 गर्लफ्रेंड होंगे, इतने स्मार्ट हो आप. जरा फोन में देखना. तो प्लीज भैया जल्दी पहुंचा दो भैया, दिल से बुरा लगता है जब इतनी जोर से बारिश पड़ती है ना, ऐसा लग रहा है ऑटो तैर रहे भाई बारिश. भाई डर नहीं लगेगा, मतलब इतनी जोर से बारिश पड़ रही है, डर नहीं लगेगा. फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं. बड़ी खुशी हो रही है. यस गाइस, आपकी प्रेयर्स की वजह से हम लोग सेफली पहुंच गए हैं. थैंक यू भैया. पैसे भी चाहिए क्या भैया? वो नहीं छोड़ोगे? नहीं. मेरी उतरने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे. अरे ये तो खोलो पहले. बारिश देख रहे हो, ये बारिश नहीं पड़ रही है, ये तूफान आया है यहाँ पे बहुत ज़ोर से. तो अब मैं आकाश को कॉल करता हूँ कि भाई कहाँ पे है तू, जल्दी मिल, बारिश पड़ रही है. कम से कम 1 घंटे की दूरी तय की है मैंने उसके लिए, मतलब जाने के टाइम पे 2 घंटे हुए. पहले तो उसको
पकड़ के कोनी लगा के कूटूंगा पहले, तो उसके बाद बात करूंगा इससे। पूरे मॉल की इंसल्ट करना है, इतने बड़े मॉल में आया हूँ मैं, और इतने बड़े मॉल में आने के बाद भी किस पे आया हूँ, चप्पलों में। ये तो स्टाइल है अपना, ऐसे ही भाई रिच लोग ऐसे ही होते हैं, चप्पलों में आते हैं गलती से। यहाँ पे एक शीशा है जिसमें मैं और आकाश हमेशा फोटो खिंचा के ऐसा ऐसा दिखाते हैं। गले मिला कर, गले भी लात मारूंगा पहले तेरे पे। जाने मैंने उनको ऐसा बोला था कि मैं ऐसे जैसे झुका के कोनी मारूंगा इसके पहले। भाई तेरे लिए एक घंटे की दूरी तय करके आया तेरा भाई, पता है? खुश। और बारिश दिखाऊंगा तो यही फोन में। हाँ, की यहाँ असल से मैंने भी लाइफ में इतनी भयंकर बारिश कभी नहीं देखी होगी भाई साहब, अलग लग। तो ये मेरा भाई को मैंने बस दूसरी बार भी मना की, तीसरी बार तो मान ही गया कि बोल रहे चलो भाई आ जाते हैं। डांस कसम मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं था, चाहता था देखो रीजन दे दूं बहुत बढ़िया बढ़िया, पर तेरी वजह से आना पड़ा मुझे। सही है, प्यार जो करता हूँ प्यार किया तो निभाना तो पड़ेगा, निभाना प्यार किया तो डरना क्या। चालू हम ऐसे ही है गाइस, हम ना मतलब अभी मिल गए ना तो बस फिर अभी ये चीज़ अकेला आता तो नहीं कर पाता नहीं। प्यार किया अब मैं और हम दोनों साथ में थे। ऐसे इतनी दूर आया तो ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकता ना मैं अपने आप को, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए एक ये शर्ट लिया, बाकी मैं अभी देख रहा हूँ मुझे क्या लेना है, एंड आकाश भी देख ही रहा है। थोड़ा देखा मैंने आपके सामने उसमें कोनी मारी जोर से, और ये काम ही ऐसे करता है भयंकर भयंकर से। तो अभी थोड़ी शॉपिंग कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी बातें करती हूँ पर्सनल टॉक्स। कैप है ना एक करके सारी की सारी पहन, और एक एक पोज देना है हर एक कैप में, बढ़िया सुंदर सुंदर की क्यूट से ये। चल भाई अपना काम करते हैं। ओके गाइस, सो एकदम से ही पता नहीं कि मेरी तबीयत सी ख़राब हो गई, मेरे को ज़ुकाम जैसे मैंने बोला था मेरे को एकदम से ज़ुकाम हो गया है और खांसी मैंने बताया था, पर ये माना नहीं खाना चाहता है कि इतना जुकाम में भी आया मेरे से मिलने के लिए। बस ये बातें दिखाऊंगा नहीं, तो तुझे मैंने बता के भी रखा था दो दिन पहले, तो सिंपल सी बात है यार। तो अभी हम लोग ये मेरे को इसको खिलाने ले जा रहे हैं, मेरी तबीयत के लिए सूप वूप पिलाएगा ये मुझे। अभी देख तबीयत के लिए ना तो उसके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सूप पिलाएगा, फिर बोल रहा है कि चिकन बर्गर सब चीज़ खिलाएगा, मतलब आज दन की, क्योंकि कल जा रहा है, कल क्या हुआ कि ना ये अभी सूप इसने खुद बोला ना गाइस, आपको भी पता है तो सूप वगैरह है ना, तो वो मैं पिला दूंगा इसको, बट बर्गर एक रैपट मारूंगा उससे और बीमार हो जाएगा, कुछ मेरे को खाते हुए देख बस। ठीक है सही है गुड, तो मुझे सूप भी नहीं चाहिए अपने आप पी लिए। दूसरों के पैसों का मजा ही अलग होता है, मैंने आप सबको बोला था ना ऑटो वाली बात, मानते हो? काट लो जितना मन चाहे काट लो। पकड़ लिया। मेरी तबीयत देख के मेरे लिए क्या पेचिनो ले रहा है गरम गरम, क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है, तो मैंने उसको बोला उसको गरम गरम पिला भाई, मज़ा सा आ जाएगा एकदम से। तो तुम लोग थोड़ा सा बर्गर भी खा रहे हैं और थोड़ा कैपेचिनो भी पी रहे हैं, बैठ के बात करते हैं यार, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही मुझे। इनको बता, एक्सक्यूज मी, वन मैक चिकन, टू हॉट कॉफी एंड वन पेरी पेरी एंड पारा पा पा पा। बड़ा पाव नीचे मिलेगा वैसे। बड़ा पाव अच्छा था। अब तीन कॉफी हो जाए। भाई कॉफी लाया मेरे लिए। जब तक ये चीज़ नहीं करेगा तो पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होगा तेरा। वाह, और ये तो करना ही चाहिए बिल्कुल। मेरे लिए भाई कॉफ़ी बना रहा है। ख़राब कर दिया, दिल किस काम आता है, कुछ भी काम नहीं आता दिल। तो मेरा भाई कल जा रहा है चंडीगढ़, बाकी अरे कहना क्या चाहते हो? तो एक चीज़ तो मतलब हमेशा से याद भी थी और आज भी समझ में आ गई कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा शहर है, यहाँ पे विदाउट पैसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी आकाश ने एक पानी का बोतल ख़रीदा क्योंकि उसको मिर्ची लग रही थी, हमने बर्गर वर्गर खाया, तो उसने बोला भैया पानी का बोतल दो, एक आ रहा था 80 रुपये का एक लीटर का, और हाफ लीटर आ रहा 40 रुपये का, मतलब जो बोतल हमें उससे बड़ी 20 रुपये की मिल सकती है बाहर,
यहाँ पे शॉर्ट सी बोतल 20 रुपए की मिल रही है, 40 रुपए की मिल रही है भाई। महंगाई का जमाना है भाई बहुत ज्यादा। एक डेढ़ घंटा तो हो गया होगा मैं अंदर शॉपिंग वॉपिंग करते हुए, खाते हुए 2 घंटे हो गए, और 2 घंटे तक अभी तक ये बारिश रुकी नहीं है, स्टिल अभी तक पड़ी जा रही है। और मुंबई में मैंने तो मुंबई में अब तक का सबसे ज्यादा वाला देखा, मैंने इससे पहले वाला देखा था, बट वो उतना ज्यादा नहीं पड़ा था जितना ये वाला ज्यादा। लंबा भी है, बंद हो जाता है, मुझे जमता नहीं है बाहर का ये मौसम, मेरे लिए आया था। ठीक है तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अभी थोड़ा वेट करेंगे इसका बारिश वारिश बंद होने का। हम लोग मजाक मजाक में एक मतलब शेड्स की शॉप में आ गए थे यहाँ पे, एंड मुझे पता नहीं क्यों मजाक मजाक में एक चश्मा पसंद आ गया वाकई में। ये वो चश्मा, ठीक है, एंड मुझे मजाक मजाक में एक चश्मा पसंद आ गया, और अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे ले लूँ। अब मैं ऐसा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि लूँ भी हो नहीं, क्योंकि ये जो भैया है बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हमें। पहले बोल रहे थे 25% देंगे, बट उन्होंने 25% भी काट दिया हमको देख के, तो जो कि ये गलत है थोड़ा सा। बाकी मैं सोच रहा हूँ अब ले लूँ, क्योंकि मेरे पापा ने बोला है कि तो तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। तो चलो भैया फिर एक काम करो, उसका बिल बना दो आप। हाँ हाँ भाई, मेरा भाई चश्मा खरीद रहा है। भाई मेरी फट रही थी भाई। हाँ? चलो उतार, ये उतार, ये उतार, ये उतार। चलो भाई गाइस। ओके गाइस, मैंने कैश कर दिया है, एंड अभी भैया पैकिंग कर, पहले सारी की सारी डिटेल्स वो फिल कर रहे हैं, उसके बाद वो मुझे देंगे। एंड भाई सब अभी तक देख रहे हैं, चूज ही नहीं कर पा रहे। यस, सो मैंने चश्मा ले लिया। भैया अब इसे पैक कर दो आप जल्दी से, क्योंकि मुझे घर पे जाके पापा की मार भी तो खानी है ना। मैं नहीं मार रहा बेटा। ओ ओ ओ ठीक है, ओ जल्दी मत कर। या ये ले लो, मैं ले रहा हूँ, ये ले से पहले ले ले, पहन के बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मतलब 6 महीने की वारंटी है, 6 महीने में मैं इसे तोड़ ताड़ के आपके पास लेके आ जाऊँ, बस वापस कर दोगे। सही, 2 years. Okay. 6 months is the OOPS coverage. Okay. And for the India purpose, you just need to give your contact number. मथुरा में तो नहीं है भैया, मथुरा। भाई 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 जान निकल जाएगी मेरी अब। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, फाइनली मैंने ले लिया है, एंड ऐसा बहुत हार्ड सा फील हो रहा है बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खतरनाक पूरा ऐसा ये समझे मैं खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नाइस मीट यू। ओ भाई साहब, जिंदगी में इतना महंगा चश्मा लिया, चश्मा लिया भाई, परफ्यूम भी नहीं लिया। पहले कहाँ स्टेशन का लेते, तू कहाँ स्टेशन से लेता, स्टेशन से लेता था भाई। मतलब मेरा ऐसा है, हमारा ऐसा था कि हमें चीज अच्छी लगनी चाहिए, और इतनी जल्दी चीज़ हमें पसंद नहीं आती। और आज भाई तुम्हारे भाई ने कौन सा बर्बेरी का चश्मा लिया है, ठीक है, 17,000 का, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बार मैं तो सांस रुक गई थी मेरी, पर मैंने सांस को थमा के पापा को कॉल किया, पापा ले सकता हूँ क्या, तो फिर पापा ने बोला ले ले भाई तेरे ही ऐसा, ठीक है, आई लव यू। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, और इसे कम से कम 2 घंटे तो चश्मे को देखूंगा मैं कि भाई कैसा चश्मा है, इसमें क्या है, उसके बाद सारी चीज़ें डिसाइड करूंगा मैं। खुशी बता अपनी माँ की यार। ओके गाइस, सो अभी मुझे मेरे भाई को छोड़ के जाना पड़ेगा, और कल भाई को चंडीगढ़ जाना है, ठीक है। आराम से जाइयो, ख्याल रखियो सबका, बहुत प्यार करता हूँ देर से बहुत ज़्यादा। बाकी तो जल्दी आइयो, वरना मैं रह नहीं पाऊँगा। जब से मुझे लगता है मैं खाली खाली फील कर रहा हूँ, तो जल्दी आ जाइयो। पानी का बोतल ठीक है, पक्का बाय बाय, ध्यान से आएगा। यस चल। ओके गाइस, सो मैं ऑटो में बैठ चुका हूँ, मैंने मेरे भाई को भी बाय बोल दिया है। और मुझे ना जब भी मैं कुछ भी खरीदने जाता हूँ ना, तो मेरे पापा की मुझे हमेशा एक बात याद आती है कि मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा याद रखिए तेरा जो हाथ है ना बहुत ढीला है। तो ढीला मतलब पापा बोलते हैं कि तू तेरे को ना बहुत जल्दी चीज़ें पसंद आ जाती हैं, एंड तू बहुत जल्दी चीज़ें खरीद लेता है, मतलब तू सोचता नहीं है कि हाँ मेरे आगे का क्या है, मेरे पीछे का क्या है। तो मैं भी पापा को मतलब एक ही चीज़ बोलता हूँ, पापा यार एक ही तो लाइफ है, उसमें भी अगर हम जो चीज़ हमें चाहिए, जो हम जिसके लिए मेहनत करें, अगर वो नहीं ले तो फिर लाइफ का मज़ा ही क्या है यार।
तो वही अभी मैंने चश्मा ले लिया है एंड पापा बोल रहे थे कि मेरे को एक काम करिए पूरा ब्लॉग ब्लॉग बना के तो भेज दो उसमें फोटो वोटो खींच के एकदम से चश्मा वश्मा पहन के फोटो खींच दी मुझे। हाँ पापा अभी ऑटो में हूँ जैसे मैं घर पर जाता हूँ तो मैं आपको भेजता हूँ। तो यस फाइनली हम लोग अभी हमारा बैग लेके जा रहे हैं घर पर और ब्लॉग अभी तो ये तो आधा ब्लॉग बना था आधे में कितना सारा बन गया बाकी अभी तो पूरी फैशन वाली चीज़ें दिखानी है आपको घर पे कितने सारे शूज़ है ये सारी चीज़ें तो यस मज़ा आएगा काफ़ी।